एंड द ओनली रीजन कि मैं 100cc की बाइक से ये ट्रिप कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, जज्बा सिर्फ करने का होना चाहिए, फिर चाहे सवारी कोई भी हो। पुराने चेतक से ऑल इंडिया की राइड कर रहा है जो कि यार बहुत बड़ी बात है। और कल हम लोग निकल जाएंगे इंडियन लास्ट विलेज माना के लिए। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइज, कुछ टाइम से अपने रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं कर रहा था एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क जो कि अब फाइनलाइज हो चुका है। ऑन पेपर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस ट्रिप में काफी सारी एक्सट्रीम राइड्स जो कि मैं करने वाला हूँ भाई, और इस ट्रिप में आपको देखने को मिलेगी छोटी से छोटी बाइक और बड़ी से बड़ी बाइक। हम लोग इस ट्रिप में 100cc की बाइक भी यूज करने वाले हैं। एंड द ओनली रीजन कि मैं 100cc की बाइक से ये ट्रिप कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, जज्बा सिर्फ करने का होना चाहिए, फिर चाहे सवारी कोई भी हो। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा हो, काफी सारे लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मेरे पास छोटी बाइक है या फिर मेरे पास बहुत बड़ी बाइक नहीं है, उस वजह से मैं कर नहीं पाता, या फिर मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है, ट्रैवल में बहुत ज्यादा खर्च होता है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो विदाउट मनी ट्रैवल करते हैं, विदाउट बाइक ट्रैवल करते हैं, काफी सारे लोग लिफ्ट ले लेके भी ट्रैवल कर रहे हैं, और भी काफी सारे लोग अपने पुराने पुराने स्कूटर से भी ट्रैवल कर रहे हैं। एक बंदा मैंने देखा था जो कि अपने पुराने चेतक से ऑल इंडिया की राइड कर रहा है, जो कि यार बहुत बड़ी बात है। मैं भी यार एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप किसी भी बाइक से कर सकते हैं, आपके पास जो है आप उससे निकल जाओ भाई। बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते ट्रैवल करने में, या फिर बहुत अच्छी अच्छी बाइकें नहीं चाहिए होती, आपके पास जो है जैसा है वैसे में करो, क्योंकि भाई जिंदगी का कुछ भी पता नहीं है। आज आप हो कल आप नहीं हो, आज को जियो कल की छोड़ दो। और भाई ये जो अपना पूरा प्रोजेक्ट है इसको मैंने नाम दिया हुआ है मिशन 87 इज रिप्रेजेंटिंग माय सिटी कासगंज, क्योंकि भाई मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ और भाई यहाँ पे बाइकिंग कल्चर इतना ज्यादा नहीं है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने शहर में बाइकिंग कल्चर को प्रमोट कर सकूं और अपने शहर को एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि भाई काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारी मिथ्स रहती हैं कि छोटे शहर से कोई कुछ कर नहीं सकता या फिर छोटे शहर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी, मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि मैं कहीं पे रुका हुआ हूँ तो लोग मुझसे आके पूछते कि भाई दिल्ली से आ रहे हो या फिर उत्तराखंड से आ रहे हो। तो ऐसी मिथ बनी हुई है कि बाइकिंग कम्युनिटी दिल्ली में है या फिर जम्मू कश्मीर में है या फिर उत्तराखंड में है, और ये सब भाई मैं अकेले नहीं कर सकता, इसमें चाहिए होगा मुझे आप लोगों का सपोर्ट। मैं करूंगा भाई ये एक्सट्रीम राइड्स और आप लोग करेंगे मुझे सपोर्ट। सो गाइज, मैं अपने इस मिशन के पहली ट्रिप के बारे में आपको बता देता हूँ। सो गाइज, ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया वो ये किया हुआ है भाई मैंने 6 मंथ का। तो 6 मंथ में नॉन स्टॉप राइड्स नहीं करने वाला, मतलब एक ट्रिप पे मैं जाऊंगा वहां से वापस आऊंगा और वहां का जो डेटा वेटा उसको एडिट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट ट्रिप पे निकल जाऊंगा। 6 महीने की मैंने टाइमिंग ली हुई है कि 6 महीने में जो मैंने राइड्स सोची है वो मैं कंप्लीट करूंगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड से लेके भारत के आखिरी गांव तक का अपना सफर। अपनी जो फर्स्ट राइड होने वाली है वो होने वाली है कासगंज टू माना, भारत का आखिरी गांव, और ये हम लोग करने वाले हैं प्लेटिना 100cc पे। और अपनी ये जो पूरी राइड ये होने वाली है अप्रोक्स 1200 किलोमीटर की। ये जो 1200 किलोमीटर ये हम कवर करेंगे अपनी प्लेटिना से, जो कि भैया मेरी 2014 मॉडल, कोई नई बाइक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो है आपके पास उसमें आप लोग कर सकते हैं बिना डिमांड किए हुए। सो इस ट्रिप पे हम लोग निकलने वाले हैं कल, तो उससे पहले मुझे अपनी बाइक में थोड़ा सा काम कराना है, क्योंकि मेरी बाइक यार काफी दिन से खड़ी हुई है, मैं इसको ज्यादा नहीं चलाता हूँ, बहुत ज्यादा काम नहीं है, बस छोटे मोटे काम है जिसको कि मुझे आज खत्म कराना है। और कल हम लोग निकल जाएंगे इंडियन लास्ट विलेज माना के लिए। तो गाइस, बाइक को लेके मैं निकल चुका हूँ, इसमें 2-3 काम है जो कि मुझे कंप्लीट कराने हैं। एक तो इसके ब्रेक ठीक कराने हैं, बहुत ज्यादा डीले हैं, और इसका ये जो क्लच वायर है ये चेंज कराना है, और एक्सीलेटर वायर चेंज कराना है, और वॉश करानी है, ये बहुत गंदी हो रखी है भाई। और अपनी स्ट्रिप की ब्रांडिंग करानी है मुझे आगे वाइजर पे, कासगंज टू माना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगा है अभी यहाँ पे, किसी भी टाइम आ जाओ हर टाइम ट्रैफिक मिलता है। वैसे 2-3 बजे के आसपास मिलता था क्योंकि उस टाइम पे स्कूलों की छुट्टी होती थी, लेकिन अब सुबह से लेके शाम तक हर टाइम रहता है यहाँ पे। आपको ई रिक्शा देखने को मिल रहे होंगे अभी फिलहाल, ये देखो भाई जिधर भी निगाह जाएगी ना ई रिक्शा ही मिलेगा। भाई मैंने इस ट्रिप का जो बोर्ड बनवाया हुआ उसको इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि भाई 1200 किलोमीटर की ट्रिप है, उत्तराखंड जा रहे हो, प्लेटिना से जा रहे हो, क्या पहुंच पाएगी। तो मैंने उन लोगों से एक ही बात की कि देखते हैं, आपको वीडियोस प्रॉपर देखने को मिलेंगी कि कैसे पहुंच पाएगी, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा कि पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। वैसे ना पहुंचने का कोई रीज़न तो ऐसा है नहीं, जैसा भी होगा आपको देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा चेकअप कर लो, ऑयल वगैरह चेक कर लो। वह सामान अपना आ चुका है, एक्सीलेटर वायर और क्लच।
क्लच वायर दोनों ही चेंज करवा रहा हूँ। वैसे ये वाला बताया था शायद अभी ना चेंज कराने के लिए, फिर मैंने कहा दोनों चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अपना इंडिकेटर जो है वो चेंज हो चुका है, ये देखो नया लग चुका है। इसका क्लच लीवर मैंने एक्स्ट्रा और ले लिया, ऐसे है तो ठीक, अगर रास्ते में कहीं क्रैश वगैरह हो जाए तो ये बहुत जल्दी छूट जाता है, तो उसके लिए तो ये हम लोग रख लेंगे। अभी अपना एक्सीलेटर वायर खुल रहा है, इसको चेंज कराते हैं। तो गाइस अपना क्लच वायर और एक्सीलेटर वायर तो चेंज हो चुका है। अभी ना ये जो ब्रेक पैडल है ये पास में आ चुका है, जब पैर रखते हैं थोड़ा दबता है, तो इसको अभी फिक्स करवा रहा हूँ। तो गाइस अब ये माउंट लगवाना है मेरे को, यहाँ पे लगेगा, ये इंस्टा 360 का माउंट है और यहाँ पे स्टिक लग जाएगी जो कि पीछे होके लग जाएगी, क्योंकि इस बार सिंगल सिंगल जा रहे हैं तो कोई पकड़ने वाला नहीं होगा पीछे, तो ये लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 360 शॉट्स के लिए। सो गाइस काम अपना कंप्लीट हो चुका है, बाइक हो चुकी है फुल रेडी माना विलेज जाने के लिए। अभी बाइक को बस वॉश कराना है, बहुत गंदी हो रखी है भाई। भाई यहाँ तो टाइम लगने वाला है, ऐसा लग रहा है एक बाइक ऑलरेडी लगी हुई है। और भाई इधर देखो आ गए अपने वैनम राइडर, ये भाई भी जा रहे हैं प्लेटिना से, लेकिन ये भाई 2019 वाला मॉडल है और अपना है 2014 वाला। यहाँ पे मैं बाइक वॉश करा रहा था, यहाँ के बराबर से एक शॉप है पूरी डेंटर एंड शॉकर रिपेयरिंग सेंटर, तो यहाँ पे ना शॉकर का काम होता है बाइक के। और यहाँ पे अंकल बता रहे हैं कि ये जो बाइक की टंकी होती है ना, जो भी यहाँ पे डेंट आ जाता है या फिर कोई भी स्क्रैच वगैरह आ जाता है वो यहाँ पे रिपेयर होता है। ये देखो बता रहे हैं कहाँ पे डेंट था इसमें, ये पिचकी हुई थी, देखो ये पूरी बता रहे हैं पिचकी हुई थी, ये देखो पेंट भी हटा हुआ है, लेकिन अभी ना बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा, अगर पेंट वेंट हो जाएगी ना इस पे तो पता नहीं चलेगा कि टंकी पिचकी हुई थी। यहाँ पे इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह है, अगर आप लोग कासगंज से हो तो ऐसे किसी काम के लिए अंकल को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइस बाइक अपनी वॉश होके आ चुकी है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सोरो गेट, जहाँ पे हम लोगों ने कल बोर्ड का काम कराया था, तो वहीं पे जा रहा हूँ। सो गाइस बाइक हो चुकी है अपनी रेडी, कासगंज टू माना भारत का आखिरी गाँव, 1200 किलोमीटर ऑन प्लेटिना 100cc, और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम आ गया, तो ऐसे ही सेम काम इस बाइक, सॉरी इस पे नहीं उस पे होना है, सेम बाइक है प्लेटिना। ये देखो भाई कैसा लग रहा है। तो गाइस अपना स्टिकरिंग वाला काम भी ख़त्म हो चुका है और देखो रात भी हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई बंजी कॉर्ड्स लेने के लिए, क्योंकि पिछली वाली जो बंजी कॉर्ड थी वो टूट चुकी है, तो अभी नई बंजी कॉर्ड लेनी है और एक दो सामान और है जो लेना है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, पैकिंग वगैरह भी करनी है, पैकिंग में भी टाइम लगेगा। और भाई मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, मेरा ना भाई मीटर भी ख़राब है, इसको भी ठीक नहीं करा पाया, ये चल नहीं रहा है, अगर अभी साजिद भाई हुए तो ठीक करा लूँगा मैं इसको, ये भी ज़रूरी है। सो गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मीटर भी अपना चालू हो चुका है, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अभी बस घर जाके पैकिंग करनी है। बगैर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए सफ़र के साथ।